वही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ लखनऊ के गोपीनाथ लक्ष्मीदास रस्तोगी इंटर कॉलेज में मतदान किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि आज जो पूरे भारत का वातावरण है वह भाजपा में दिखाई दे रहा है। लखनऊ मोहनलालगंज दोनों जीतने की तरफ है। उन्होंने कहा कि मोदी मैजिक का भी असर है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को भी पूरे भारत में मान्यता मिली है। आज पूरे भारतवर्ष का जो वातावरण है वो भाजपा में दिखाई पड़ रहा है, और लखनऊ में तो विपक्ष के बस्ते तक लगे कई तमाम बूथ ऐसे हैं जहां लगे हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। लखनऊ मोहनलालगंज दोनों बड़ी तेजी के साथ काफी बड़े मार्जिन से जीतने की तरफ हैं, और पूरे भारतवर्ष में मैं कह सकता हूं कि जो चौथा चरण था उसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जहां दी थी, वहीं आज का जो पांचवा चरण है वो 400 पार की तरफ हम लोग बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये देश के लोकतंत्र की वो आधारशिला आज रखी जा रही है जिसमें मोदी जी का जो मैजिक है पूरे देश में चढ़कर बोल रहा है। विपक्ष हताश है, निराश है, और यूँ कहना चाहिए कि मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे को पूरे भारतवर्ष में स्वीकारता मिली है, और यही कारण यह है कि लोगों का गजब का उत्साह बीजेपी के प्रति दिखाई पड़ रहा है।